आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत की इकोनॉमी का चेहरा बदल दिया है। एक ऐसी कंपनी जिसने इतिहास बनाई है। यह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने शून्य से शुरुआत की और एक साम्राज्य बनाया। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने न केवल कठिनाइयों का सामना किया बल्कि जीत और उपलब्धियों का भी सामना किया। यह उस दृष्टिकोण की कहानी है जिसने भारत की क्षमता को वास्तविकता में बदल दिया। इस वीडियो में मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में बताऊंगा, इसकी सिंपल शुरुआत से लेकर इसके ग्लोबल एक्सपेंशन तक, इसकी चुनौतियों और कंट्रोवर्सी से लेकर इसके इनोवेशन और प्रभावों तक, इसके विरासत और मूल्यों से लेकर इसके भविष्य और दृष्टिकोण तक। मैं आपके साथ कुछ पावरफुल बिजनेस लेसन भी साझा करूंगा जो हम रिलायंस इंडस्ट्री से सीख सकते हैं, ऐसे लेसन जो हमें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो क्या आप रिलायंस इंडस्ट्री की जर्नी को जानने के लिए तैयार हैं? आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। 1957 में यमन में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की नौकरी करने के बाद एक युवक भारत लौटा। इसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन इसका एक सपना था, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का सपना। इनका नाम धीरू भाई अंबानी था और यह रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक थे। धीरू भाई अंबानी ने मुंबई में 350 वर्ग फुट के कार्यालय से एक छोटे से यान ट्रेडिंग बिजनेस के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत की। यह विदेश से पॉलिएस्टर यान इम्पोर्ट करते थे और इसे कपड़ा मिलों को बेचते थे। इन्हें इंडस्ट्री में स्थापित खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था जो इनकी कीमत कम करने और इनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी निराश नहीं हुए। यह एक विश्व स्तरीय टेक्सटाइल कंपनी बनाने के अपने दृष्टिकोण पर अपना विश्वास रखते हैं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने के लिए अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं। धीरू भाई अंबानी कहते हैं, यदि आप अपना सपना पूरा नहीं करते हैं तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करने में मदद करने के लिए काम पर रखेगा। धीरू भाई यह जानते थे कि सिस्टम को कैसे नेविगेट करना है और इसे अपने प्रॉफिट के लिए उपयोग करना है। धीरू भाई अंबानी कहते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात है एक दृष्टिकोण रखना और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे पूरा करने का साहस रखना। धीरू भाई अंबानी को अपने बिजनेस के लिए पैसे जुटाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी फाइनेंस के पारंपरिक स्रोतों जैसे बैंक, इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इन्वेस्टर तक कोई पहुंच नहीं थी। इन्हें अपनी बचत, दोस्तों और रिश्तेदारों से लोन पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सबके बावजूद भी धीरू भाई अंबानी कभी निराश नहीं हुए। इनके पास पब्लिक से पैसा जुटाने का एक अनोखा तरीका था। यह कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करते हैं जो बॉन्ड होते हैं जिन्हें बाद में शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता था। यह अपने इन्वेस्टर्स को आकर्षक इंटरेस्ट रेट, बोनस और डिविडेंड प्रदान करते हैं। धीरू भाई अंबानी की दूरदर्शिता, साहस, इनोवेशन और लॉयल एम्प्लॉय इन्वेस्टर को इनकी कंपनी की ओर आकर्षित करते थे। धीरू भाई अंबानी एम्प्लॉय को अपने परिवार की तरह मानते थे और अपनी सफलता उनके साथ साझा करते थे। 1960 के दशक के अंत तक धीरू भाई अंबानी का यान ट्रेडिंग बिजनेस एक सफल टेक्सटाइल कंपनी के रूप में विकसित हो गया। धीरू भाई अंबानी ने अपना खुद का ब्रांड विमल लॉन्च किया जो भारत में घरेलू नाम बन गया। इन्होंने पॉलिएस्टर प्रोडक्शन में भी एक्सपेंशन किया जो एक नया और आकर्षक बाजार था। इन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के नरोदा में स्थापित किया जो देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स बन गया। धीरू भाई अंबानी ने भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का अपना सपना पूरा कर लिया था, लेकिन यह संतुष्ट नहीं थे। इनके पास बड़े पैमाने पर और बड़ी योजनाएं थी। धीरू भाई अंबानी कहते थे, आसमान ही सीमा है। 1981 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA पूरा करने के बाद एक युवक रिलायंस इंडस्ट्री में शामिल हो गया। यह धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे और बिजनेस के प्रति जुनून रखने वाले मुकेश अंबानी थे। यह रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूचर के लीडर थे। मुकेश अंबानी अपने करियर की शुरुआत मुंबई के पास पतालगंगा में रिलायंस इंडस्ट्री की पहली मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट की स्थापना करके की। इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन का उपयोग करके पॉलिएस्टर फिलामेंट यान का प्रोडक्शन करने
के लिए प्लांट स्थापित किया। यह 3 साल से भी कम समय में प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। यह इंडस्ट्री में फैंसी और एक्सीलेंस के लिए एक क्राइटेरिया बनाते हैं। मुकेश अंबानी को जल्दी एहसास हुआ कि इनके सपने को पूरा करने के लिए यान का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। यह कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे देश के लिए वैल्यू और वेल्थ पैदा करे। यह अपना खुद का पेट्रोकेमिकल बिजनेस बनाना चाहते थे और अपनी खुद की एनर्जी कंपनी बनाना चाहते थे। यह अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन का उपयोग करना चाहते थे। यह इंडियन कंज्यूमर की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने प्रोडक्ट और सेवाओं में इनोवेशन लाना चाहते थे। यह पेट्रोकेमिकल एनर्जी इंडस्ट्री में क्रांति लाना चाहते थे। मुकेश अंबानी को सुनहरा अवसर मिलता है जब इनकी मुलाकात टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा से होती है, जो इन्हें मॉडर्न और इंडस्ट्रियल भारत के निर्माण के अपने दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं। मुकेश अंबानी टाटा और उनकी पहल जैसे टाटा नैनो, टाटा स्टील का समर्थन करते हैं। मुकेश अंबानी रतन टाटा के करीबी दोस्त बन जाते हैं और टाटा स्काई और टाटा पावर जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट में रतन टाटा का सहयोग करते हैं। यह रतन टाटा के सलाह का पालन करते हैं और मुकेश अंबानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन का उपयोग करके ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए स्वयं का प्लांट स्थापित करते हैं। यह अपने बिजनेस में डाइवर्सिटी लाते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन का उपयोग करके टेलीकॉम, रिटेल और मीडिया जैसे नए क्षेत्रों में एंट्री करते हैं। मुकेश अंबानी ने कई प्रशंसाएं हासिल की, जैसे 1999 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण, जो प्रतिदिन 6,60,000 बैरल क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकती है। इन्होंने 2002 में इंफोकॉम बिजनेस भी लॉन्च किया, जिसने 100 मिलियन से अधिक कस्टमर को सबसे सस्ती और तेज सेवाएं प्रदान करके भारत में मोबाइल टेलीकॉम में क्रांति ला दी। इन्होंने 2002 में KG-D6 ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन की खोज की, जो 14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के अनुमानित भंडार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी गैस खोजों में से एक थी। 150 से अधिक देशों में उपस्थिति और 150,000 से अधिक एम्प्लॉई के साथ रिलायंस इंडस्ट्री विभिन्न क्षेत्रों में एक सफलता की कहानी बन गया है। इनके पास इनोवेशन, क्वालिटी और सामाजिक जिम्मेदारी की कहानी है। रिलायंस इंडस्ट्री 2004 में 342 रैंक के साथ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सूचीबद्ध होने वाली पहली और एकमात्र निजी भारतीय कंपनी बन गई। 2002 में एक दुखद खबर ने देश को सदमे में डाल दिया। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी के स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। यह अपने पीछे साहस, दूरदर्शिता और इनोवेशन की विरासत छोड़ गए, जिसने भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी को बदल दिया। यह अपने पीछे 2 बेटे मुकेश और अनिल को भी छोड़ गए। दोनों भाइयों को धीरू भाई अंबानी की कंपनी और इनके सपने विरासत में मिले थे, लेकिन अपने पिता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने के बजाय दोनों भाइयों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती है। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच संघर्ष कॉर्पोरेट जगत में सबसे नाटकीय राइवलरी में से एक था। इसकी शुरुआत इनके पिता धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के तुरंत बाद हो गई, जब वे रिलायंस इंडस्ट्री के ओनरशिप और कंट्रोल पर असहमत थे। एक कंपनी के विभिन्न व्यवसायों की रणनीति और दिशा को लेकर भी टकराते हैं। दोनों भाई अपने संबंधित क्षेत्रों की बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक आधार के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते थे। मानहानि, हस्तक्षेप और तोड़फोड़ जैसे विभिन्न मुद्दों के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यह झगड़ा 2005 में अपने चरम पर पहुंच गया। तब इनकी मां कोकिला बेन अंबानी ने हस्तक्षेप किया और इनके बीच समझौता कराया। कोकिला कंपनी को 2 इकाइयों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL और रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप ADAG में बांटती है। यह मुकेश को RIL के तहत तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी कारोबार देती है और अनिल को इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ADAG के तहत देती है। कोकिला बेन को उम्मीद थी कि इस विलय से भाइयों के बीच विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभाजन से राइवलरी खत्म नहीं होती है, बल्कि और बढ़ती है। मुकेश और अनिल अपने व्यवसायों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अलग अलग परिणामों के साथ मुकेश RIL को सफलता और नवीनता की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, जबकि अनिल ADAG को करेंट और रेलिवेंट बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। इनकी शैलियों और रणनीतियों के साथ साथ इनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन के बीच विरोधाभास स्पष्ट था। मुकेश अपने व्यवसाय के लिए लॉन्ग टर्म और विजनरी अप्रोच अपनाते हैं,
यह रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन को अपनाते हैं। मुकेश अंबानी अपने व्यवसाय को रिटेल, फैशन, केमिकल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों और बाजारों में डाइवर्सिटी और एक्सपेंशन करते हैं। यह विदेशी कंपनियों की एक्सपर्टीज और नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए वोडाफोन आइडिया और बिरला कार्बन के साथ ज्वाइंट वेंचर भी स्थापित करते हैं। मुकेश अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ मौजूदा क्षेत्रों में इनोवेशन और डिसरप्शन भी जारी रखते हैं। इन्होंने 2015 में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड लॉन्च किया, जो भारत के सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जियो और भारत के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो मार्ट को संचालित करता है। इन्होंने 2006 में रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड लॉन्च किया, जो भारत के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क रिलायंस रिटेल और भारत के सबसे बड़े फैशन प्लेटफॉर्म और जियो का संचालन करता है। इन्होंने 2021 में रिलायंस रिन्यूएबल न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड लॉन्च किया, जो भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिलायंस ग्रीन एनर्जी का संचालन करती है। मुकेश अंबानी अपने व्यवसायों के साथ कई प्रशंसाएं हासिल की, जैसे कि 2019 में 134 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनना। यह 2021 में 90 बिलियन से अधिक के नेटवर्थ के साथ भारत के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। देश और दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाते हैं। मुकेश अंबानी अपने व्यवसायों से भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। यह विभिन्न कैटेगरी के लाखों कंज्यूमर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल प्रोडक्ट और सेवाएं प्रदान करते हैं। यह अपनी चैरिटेबल ब्रांच रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स जैसे विभिन्न प्रोग्राम्स का समर्थन करते हैं। मुकेश अंबानी अपने शेयर होल्डर्स, कस्टमर और एम्प्लॉय के लिए वैल्यू क्रिएशन करके सभी भारतीयों के लिए वेल्थ क्रिएशन के अपने पिता के सपने को पूरा करते हैं। मुकेश अंबानी भारत को विभिन्न क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनाकर भारत के लिए आत्मनिर्भरता के अपने पिता के दृष्टिकोण को पूरा करते हैं। यह बिजनेस के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाकर अपने पिता के साहस, दूरदर्शिता और इनोवेशन की विरासत को पूरा करते हैं। दूसरी ओर अनिल अंबानी अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण अपनाते हैं। अनिल अंबानी बैंक और इन्वेस्टर से भारी लोन लेते हैं और ऊंची कीमतों पर गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट और सेवाएं बनाने के लिए सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी और डिजाइन अपनाते हैं। अनिल अंबानी अपने मौजूदा व्यवसायों से जुड़े रहते हैं और नए अवसरों का पता लगाने में विफल रहते हैं। यह अपने खराब परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट के कारण अपने व्यवसाय और संपत्ति को अपने कंप्यूटर को बेच देते हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट, सेबी और सीबीआई जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ लीगल और रेगुलेटरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अनिल अंबानी अपने प्रोडक्ट और सेवाओं के साथ मौजूदा क्षेत्रों और बाजारों में इनोवेशन करने और प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहते हैं। यह अपने टेलीकॉम बिजनेस रिलायंस कम्युनिकेशन को अपने भाई मुकेश अंबानी के जियो के कारण खो देते हैं, जो कस्टमर को अफोर्डेबल और फास्ट सर्विस प्रदान करता है। अनिल अंबानी अपने इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस रिलायंस पावर को अपने कंप्यूटर जैसे कि टाटा पावर और अडानी पावर के कारण खो देते हैं, जो कस्टमर को अधिक विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करते हैं। अनिल अंबानी अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस रिलायंस कैपिटल को HDFC और ICICI जैसे अपने साथियों के हाथों भी खो देते हैं, जो कस्टमर को अधिक प्रॉफिटेबल सर्विस प्रदान करते हैं। अनिल अंबानी को अपने बिजनेस के साथ कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि 2019 में अपने फॉरेन डेब्ट पर डिफॉल्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनना। यह 2020 में 1.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नेट डेब्ट के साथ भारत के सबसे अधिक बैंकरप्ट बिजनेसमैन में से एक बन गए हैं। यह अपने शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉई और पार्टनर्स के बीच विश्वसनीयता की हानि के साथ भारत में सबसे फेल बिजनेसमैन में से एक बन जाते हैं। अनिल अंबानी अपने बिजनेस से भारत में सामाजिक और इकोनॉमिक विकास में योगदान देने में असफल रहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोगों के एम्प्लॉयमेंट को नष्ट कर देते हैं। यह कहानी थी एक ऐसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की, जो एक छोटे से यान ट्रेड बिजनेस से शुरू हुई और एक वैश्विक समूह बन गई। यह कहानी दो भाइयों मुकेश और अनिल अंबानी की भी थी, जिन्हें अपने पिता की कंपनी और उनका सपना विरासत में मिला, लेकिन इन्होंने अलग अलग रास्ते और नियति चुनी। यह कहानी थी सफलता और असफलता की, दूरदर्शिता की और नवीनता की। यह रिलायंस इंडस्ट्री की कहानी थी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो देखकर आनंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।